सांवरिया सेठ की। तो भैया, धन देने से कभी धन कम नहीं होता है, ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें। सभी ग्राम वासियों से मेरा निवेदन है कि सभी कथा को श्रवण करें, कथा का आनंद लें, और जैसी भी टूटी फूटी सेवा है सभी आकर के अपनी सेवा दें। यह भगवान का दरबार है, किसी एक का दरबार नहीं है, और आप जैसा भगवान के लिए करोगे भगवान आपको दुगना चौगना कर करके देगा। ऐसा तो नहीं है कि भगवान के लिए आप एक कदम बढ़ाओ तो भगवान आपके लिए चार कदम नहीं बढ़ाए, जरूर बढ़ाएगा। आइए कथा की तरफ ध्यान देते हैं, जहां पर कथा चल रही थी। अभी आपने सुना कि किस तरीका से सती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ है। आज श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इन तीनों बहनों में से जब सती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ, तो एक दिन की बात है, भोलेनाथ ने सती जी से कहा कि कुंभज ऋषि के आश्रम पर प्रभु श्री राम की कथा चल रही है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कथा सुनने के लिए हमारे साथ चल सकती हैं। तो उसी समय आज सती मैया ने कहा कि प्रभु श्री राम की कथा कैसी होती है, क्या अच्छी होती है? तो भोलेनाथ ने कहा, जब आप कथा को श्रवण करेंगी तब आपको पता चलेगा, और कथा में कभी भी संशय नहीं करनी चाहिए, और वो प्रभु की कथा है। तो आज मैया सती कुंभज ऋषि की आश्रम पर पहुंच तो गई, लेकिन मन लगा के कथा नहीं सुनी। ऐसे ही आप सभी से निवेदन है कि अगर कथा में आओ तो मन लगा करके कथा सुना करो। भोलेनाथ ने तो कथा को मन लगा करके सुना, लेकिन सती ने कथा को नहीं सुना और वापस लौट करके कैलाश पर्वत पर आ गए। इधर ये त्रेता युग चल रहा था, तो भगवान श्री राम मैया सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। क्यों भटक रहे थे पता है आपको? क्योंकि भगवान श्री राम ने नकली सीता बना करके रावण के द्वारा हरण करवा दिया और असली सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया, क्योंकि उन्हें दिखाना था कि जिंदगी कैसे जीते हैं, जीवन कैसे जीते हैं, मर्यादा के साथ हम जीवन कैसे जी सकते हैं। अगर वो चाहते तो सीता मैया की खोज नहीं कर सकते थे, वो तो पार ब्रह्म थे, उन्हें हर चीज पता थी कि मैया सीता कहाँ हैं, लेकिन फिर भी साधारण मनुष्यों की भांति आज प्रभु श्री राम जंगलों में वनों में घूम रहे हैं सीता का नाम लेते हुए, किस तरीका से वन बिहारी लाल की सावरिया सेठ की। आज इस तरीका से वन वन में श्री राम जी मैया सीता की खोज कर रहे हैं, और कभी पक्षियों से पूछते हैं, कभी पेड़ों से पूछते हैं कि आपने हमारी सीता को कहीं देखा है।
आज रोते विलखते हुए प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ में कैलाश पर्वत से होकर के गुजरे। और जैसे ही प्रभु भोलेनाथ की नजर भगवान राम पर पड़ी है, आज दंडवत प्रणाम किया है, आज जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया है, उसी समय मैया सती ने भोलेनाथ को देख लिया। तो आज मैया सती कहने लगी कि इन साधारण मनुष्यों को और मेरे प्रभु प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कैसे है? तो आज सती ने पूछा कि आप ये बताइए, आप तीनों लोकों के मालिक होकर के इन छोटे छोटे बच्चों को, साधारण से मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हो, ऐसा कैसे? तो उसी समय आज भोलेनाथ ने कहा कि आपको नहीं पता, ये हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं जिन्हें हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो उसी समय सती जी के मन में संदेह हो गया, कहा कि ये राम और वो भी इष्ट देव। तो उसी समय भोलेनाथ समझ गए कि इनके मन में संदेह है। उसी समय आज भोलेनाथ ने कहा कि अगर आपके मन में संदेह है तो जाकर के आप परीक्षा ले लो। तो आज सती मैया प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी है। लेकिन परीक्षा लेने के लिए बढ़ी तो सही, लेकिन उन्होंने पूरा गलत कर दिया। आज प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए आज मैया सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही सीता जी का रूप धारण किया, और जो प्रभु श्री राम चल रहे हैं उनसे आगे आगे चलने लगी। जब आगे आगे चलने लगी तो पीछे से प्रभु श्री राम ने देखा, लक्ष्मण भैया कहने लगे कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि भाभी ये हैं। लेकिन प्रभु श्री राम तो समझ गए, क्योंकि अगर सीता माता होती तो प्रभु से आगे नहीं चलती। कभी भी आप देखना, जो भगवान राम की मूर्ति होती हैं, जिनमें राम लक्ष्मण और सीता जी हों, उनमें हमेशा ये देखना कि सीता माँ बीच में होगी, आगे न पीछे, कभी भी देखना। तो प्रभु तो समझ गए कि ये कौन है, आगे बढ़े। सती मैया बैठी हुई हैं, और जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा, प्रभु श्री राम कहने लगे कि मैया क्या आज भोलेनाथ से लड़ाई हो गई आपकी? सती जी समझ गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। अब तो निगाह नीचे की नीचे पड़ी रह गई, आंखें ऊपर को उठा नहीं सकी। उनका संदेह पल भर में दूर हो गया। अब तो थोड़ी बहुत देर वहां बैठी और रोने लगी, लेकिन जब होश आया तो सोचने लगी कि भोलेनाथ ने जो कहा था वो सही था, लेकिन मैंने तो ये पूरा गलत ही कर डाला। उसी समय आज सती मैया लौट करके कैलाश पर्वत पर आ गई, और जब कैलाश पर्वत पर आ गई है तो उसी समय आज भोलेनाथ ने कहा कि ये बताओ, आपने परीक्षा ले ली? बोले हाँ। बोले क्या ली? बोले हमने कुछ परीक्षा नहीं ली, जिस तरीका से तुमने प्रणाम किया उसी तरीका से हमने प्रणाम किया। भोलेनाथ समझ गए कि जब ये यहाँ से गई तो इन्हें प्रणाम तो ना करो भैया, ये सरासर झूठ बोल रही है। जैसे ही अपने आंखों को बंद किया है और नेत्रों को बंद करके देखा है तो पूरा गलत हो रहा है। मैया सती ने सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा ली। आज उसी समय भोलेनाथ ने मन ही मन में एक संकल्प कर लिया। वो संकल्प क्या था? कि शिव संकल्प की नमन माही, we'll be right back।
संकल्प ले लिया कि आज से हमने सती का त्याग कर दिया, क्योंकि जहां मैया सीता हमारे लिए माँ है, वहीं ये भी हमारे लिए माँ हो गई। तो जैसे ही इतना संकल्प मन ही मन में लिया, उसी समय आज आकाशवाणी हुई और कहा कि धन्य है भोलेनाथ, आप जैसा हमने कभी देखा नहीं। आज जैसे ही भविष्यवाणी हुई, आज मैया सीता देखने लगी हैं।